हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट। दिस इज विशाल प्रजापति। तो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी या कह सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने है, उसी के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट जिन जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है DWO से उनके लिए भी है, और जिनका फॉर्म अभी तक कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं हुआ है उनके लिए भी, और जिनका हो चुका है उनके लिए भी। साथ ही जो जो फॉर्म अभी तक स्कॉलरशिप का नहीं भरे उनके लिए, मतलब 3 से 4 जो भी प्रॉब्लम, सभी छात्रों के लिए ये अपडेट निकलकर सामने आई। बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ अपडेट आई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस अपडेट के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा रामचरण भाई का, जिन्होंने इस अपडेट के बारे में मुझे बताया। तो चलिए, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अपडेट जो है उन सभी छात्रों के लिए जो किसी कारणवश छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए थे, मीन्स स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे, डेट निकल गई थी, तो काफ़ी दिनों से निराश थे छात्र, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्योंकि वे फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसमें 5 से 6 दिन के लिए स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। अगर आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म छूट गया था, नहीं भर पाए तो आप फिर से फटाफट से भर लीजिएगा। और जिनका फॉर्म कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं हुआ तो वो भी निराश थे, उनके लिए भी डेट बढ़ा दी गई। मींस मिला जुला कर पूरी खुशखबरी है, जो छात्र कई दिनों से परेशान थे एकदम, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये न्यूज़ बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यार चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, क्या कुछ अपडेट आए यहाँ पर देख लेते हैं। अवसर छात्रवृत्ति आवेदन से चूके छात्र, कल से करें आवेदन। मास्टर डाटा में संस्थान का नाम न होने के कारण जो छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति और फीस वापसी का आवेदन नहीं कर सके थे, अब वह 4 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। ये लखनऊ की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 17 मार्च तक पूरी भी हो जाएगी, यानी एक पखवाड़े में ऐसे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का सत्यापन करके जिला छात्रवृत्ति समिति तक पहुंचा दिया जाएगा। तमाम बैठकें और नोटिस के बावजूद राजधानी के 8 संस्थानों ने अपनी फीस, सीट, कोर्स समेत अन्य जानकारी वेबसाइट के मास्टर डाटा में दर्ज नहीं की, इसलिए इन संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। मुख्यमंत्री से शिकायत पर बनी बात। जी हाँ फ्रेंड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने पर छात्रों के द्वारा तब जाके बात बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 8 संस्थान थे, ये लखनऊ की न्यूज है। संस्थानों की लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति से वंचित छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। इसके बाद विभाग ने छात्रों के हित में इनके आवेदन भी स्वीकार करने का फैसला किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति बताते हैं, शेष संस्थानों 5 से 10 मार्च तक मास्टर डाटा में शामिल होंगे। इधर 4 से 8 मार्च तक इन संस्थानों के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी जमा करेंगे। 13 से 15 मार्च तक त्रुटियों को छात्रों द्वारा ठीक किया जाएगा। और जो आपका फॉरवर्ड कराने की डेट, वो भी 8 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो कॉलेज में बात करके फॉरवर्ड करा लीजिए। और DWO से वेरीफाई कराने की डेट तो आपको पता ही होगा 10 मार्च तक है, तो अभी 2-3 दिन वेट कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है वेरीफाई तो आप अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहाँ पर पूछ लीजिए। और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं, कोई इसका सलूशन नहीं देख सकता कि क्यों वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो रिजेक्ट होकर आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन मैं बिजी रहने वाला हूँ, एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो हो सकता है 1 हफ्ते के लिए, 4 से 5 दिन के लिए चैनल पर वीडियो ना आए। तो आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यूअस इस चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही 4 से 5 दिन बाद एग्जाम खत्म होता है मैं आपको वीडियो फिर से लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।